प्रिय विद्यार्थियों, श्री बी एल मेमोरियल एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज कक्षा 7 के लिए चैप्टर है जो मिठाई वाला 5th चैप्टर है वो रीड करेंगे। काफ़ी पढ़ लिया था अपन ने, अब अपन आगे इसको पढ़ रहे हैं। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो दे देते। कि भाई वो 16 दे रहा था तो 16 तो कम है इसलिए है, थोड़े 25 दे दो। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूँगा, मैं इतना ज़्यादा नहीं दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, वो विजय बाबू की पत्नी। दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, दादी रोहिणी बोल रही है कि ये फिर भी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो ये पैसे रहें, 4 पैसे की ले लो ये पैसे रहें। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा, तो 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं सही, 20 ही दो। अरे हाँ, मैं बुढ़ी हुई मोल भाव, अब मुझे ज़्यादा करना आता नहीं है, ऐसे वो दादी माँ बोल दिए उस मिठाई वाले को। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा भी मुस्कुराहट फूट निकली, अपने मुंह जो है पोपले मुंह से उसने मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी, रोहिणी थी वो जो दादी से इससे पूछा, तुम इस शहर में और कभी भी आए थे क्या? और उसको ऐसा कह रहे हैं रोहिणी, उन दादी से पूछवा कर कह रही है कि तुम पहले कभी आए हुए, पहली बार आए हो, यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी इस कथन को दोहराने की चेष्टा ही की थी, मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ, मैं यहाँ आ चुका हूँ कई बार। रोहिणी चिक्की आड़ से बोली, और वो जो बांस की बनी हुई चिक्की आड़ से वहाँ से वो बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई और चीज़ लेकर? इस प्रकार वो रोहिणी पूछ रही। मिठाई वाला हर संशय और विस्मयादी भाव में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला, अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? अब रोहिणी उससे पूछती है कि तुम्हें इस व्यवसाय में क्या मिलता होगा। वो बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। मुझे मिलता चाहे कुछ भी हो, लेकिन मुझे सुख मिल जाए तो ये भी मेरे लिए बहुत अच्छा है। सो कैसे, वो भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों क्यों चर्चा करूं? अब वो कह रहा है कि ऐसी फालतू बातों में क्यों चर्चा करूं? उन्हें आप जाने ही दें, उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। कि आप उन बातों को सुनकर क्या होगा, दुख होगा। जब इतना बताया तब और भी बता दो। अब रोहिणी क्या, इतना बता ही दिया तो और बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा न होगा तो मिठाई मैं और भी ले लूँगी, अगर तुम्हारा हर्जा न पूरा नहीं होगा तो मैं और भी मिठाई ले लूँगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाला अतिशय मुद्रा में और मिठाई वाला गंभीर मुद्रा में कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, मैं भी मेरे गांव का एक प्रतिष्ठित आदमी था, मकान व्यवसाय गाड़ी घोड़े नौकर चाकर सभी कुछ था, स्त्री थी, छोटे छोटे दो बच्चे भी थे, मेरा वह सोने का संसार था, बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था, मैं बड़ा ही सुखी था, अमीर आदमी था। मतलब ऐसे वो बता रहे हैं, घोड़े नौकर चाकर सभी थे, सुख था, स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी, बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने, उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था, वहाँ मतलब शोरगुल होता हो रहा था, बड़ा सुंदर मतलब घर में अच्छा माहौल था। और समय की गति और समय जैसा जैसा बीतता गया, विधाता की लीला और ही थी, भगवान की लीला और ही थी, अब कोई नहीं है, अब घर के अंदर कोई नहीं है, दादी प्राण निकाले नहीं निकले इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ, वे सब अंत में होंगे तो यही कहीं आखिर कहीं न जन्मे होंगे, उस तरह रहता हूँ घुल मिलकर, इसलिए मैं वहाँ घुल मिलकर रहता हूँ बच्चों के साथ, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूँगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है, ऐसा जान पड़ता है जैसे वे ही इन्हीं में उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़ी है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं,
जो नहीं है, इस तरह उसी को पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वालों की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर हो गई। रोहिणी मिठाई वालों की देखी और उसके आंखों में आंसू आ गए। इस तरह इस समय चुनू मुनू आ गए। रोहिणी से लिपट कर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की दो पूड़ियाँ मिठाई से भरी मिठाई वाले ने चुनू मुनू को दे दी और रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। रोहिणी ने भीतर से क्या किए, पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेट उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूँगा, अब इस बार मैं ये पैसे नहीं लूँगा। दादी बोली, अरे अरे ना ना, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा, उसी प्रकार मादक मृदु स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला इस प्रकार वो गाता हुआ गली गली में घूम रहा था। तो इसके रचयिता भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा लिखा गया है। तो प्रिय विद्यार्थी, ये पाठ पूरा हो गया है। आप अगले नेक्स्ट वीडियो में इसके अभ्यास प्रश्न करवाए जाएंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।